Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. So as you might know, the Punjab National Bank SO Credit Officer notification is out. Total to forty vacancies are there, and two hundred vacancies are there for credit officer. So some of the students they called me, they WhatsApp me regarding the eligibility criteria doubts, and that's what. Uh, गोइंग टू आंसर टूडे यही आंसर करने के लिए आज का सेशन है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाउट जो कॉमन डाउट है वही आंसर करेंगे आज लेट्स मूव फॉर्वर्ड पी एन बी एसओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का कॉर्स स्टार्ट कर दिया है लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यू कैन चेक देअर सो आई होप यू आर ऑलरेडी अवेर ऑफ द डेट्स इलेवंथ ऑफ जून इज अ लास्ट डेट बट आई वुड रिकमेंड कि अभी अप्लाई कर लीजिए ओके सो एग्जाम इज ऑन सेकेंड ऑफ जुलाई तो आई होप ये आपने देख लिया हुआ है ऑलरेडी सो लेट्स चेक दिस आई होप दिस इज वेरी क्लियर द एज क्राइटीरिया एज ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी एट ईयर्स का आपका एज होना चाहिए सी ए सी एम ए सी एफ एम बी ए विद यू नो सिक्सटी परसेंट तो डाउट्स पे आते हैं डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एक छोटा सा वीडियो करूँगा मैं एम कॉम अगर आपने एम कॉम किया है एम कॉम होता तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ही है आर यू एलिजिबल नो उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि जो मैनेजमेंट का पी चाहिए मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा चाहिए मैनेजमेंट में ये उन्होंने क्लियरली लिख दिया है मैनेजमेंट की डिग्री होती है एम बी ए पी जी डी बी ए पी जी डी बी एम एम कॉम नहीं है एम कॉम जो है वो मास्टर्स इन कॉमर्स है यू आर नॉट एलिजिबल सो एम कॉम वाले नो मैट नो मैटर वॉट आप एलिजिबल नहीं हो, अगर एलिजिबल होते एम कॉम वाले तो उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि एम कॉम वाले एलिजिबल हैं सो एम कॉम वाले एलिजिबल यहाँ पर नहीं हैं इस चीज़ का आप ध्यान रखें इकोनॉमिक्स uh, के पोस्ट ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है मैनेजमेंट की पीजी मांगी है इकोनॉमिक्स की नहीं मांगी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट ऑफिसर ओनली यहाँ पे मैं क्रेडिट ऑफिसर की बात कर रहा हूँ पी एन क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी जो एग्ज़ाम होना है उसी की बात कर रहे हैं सो so, इकनॉमिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट्स और एम कॉम वाले एलिजिबल नहीं हैं आपने एम बी ए किया है विद माइनर इन फाइनेंस मेजर इज मार्केटिंग मेजर इज एच आर मेजर इज आई टी वॉट एवर द मेजर इज मेजर इज इंटरनेशनल बिजनेस देन यू आर नॉट एलिजिबल तो आप एलिजिबल नहीं हो देन यू आर नॉट एलिजिबल यहाँ पर कोई केस नहीं बनता है uh, कोई फायदा नहीं है आपको एग्जाम देने का क्योंकि एनी वेज यू आर नॉट एलिजिबल ठीक है एम बी ए विद ड्यूअल स्पेशलाइजेशन आपकी वहाँ पे दो स्पेशलाइजेशन थी एक थी फाइनेंस ठीक है और एक थी मार्केटिंग एक थी मार्केटिंग ड्यूल स्पेशलाइजेशन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कोर्स होता है ड्यूल स्पेशलाइजेशन का यहाँ पे यू आर एलिजिबल दिस डिग्री इज वैलिड केस कोई फाइन कोई मेजर नहीं लिखा गया है ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मेजर स्पेशलाइजेशन क्या है देन यू आर एलिजिबल नो इश्यूज यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा कि आपका मेजर ये है माइनर ये है ऐसा कुछ नहीं लिखा है ड्यूल स्पेशलाइजेशन योर स्पेशलाइजेशन इज फाइनेंस एंड मार्केटिंग देन यू आर एलिजिबल कोई इश्यू नहीं है ठीक है सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन एम बी ए वहां पर क्लियरली लिखा है सिक्सटी परसेंट मार्क्स अगर आपके फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन जीरो भी आए हैं इवन देन यू आर नॉट एलिजिबल फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन भी आए हैं इवन देन यू आर नॉट एलिजिबल सिक्सटी परसेंट रिक्वायर्ड इफ इन योर यूनिवर्सिटी देर इज अ केस ऑफ सी जी पी ए आपके ग्रेड जो हैं वो जी पी एल होते हैं सी जी पी ए होते हैं ग्रेडिंग सिस्टम अलग है परसेंटेज में नहीं है देन चेक योर यूनिवर्सिटी मैनुअल आप अपनी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट देखिए आपकी डिग्री की बैक साइड पर ही लिखा होगा मार्कशीट की बैक साइड पर ही जनरली लिखा होता है कि द uh, कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखा होता है हाउ यू कैन कन्वर्ट योर सी जी पी ए टू परसेंटेज यूज दैट फार्मूला टू कन्वर्ट एंड दैट परसेंटेज जो निकल के आती है वो सिक्सटी परसेंट से ऊपर होगी आई रिपीट आपकी यूनिवर्सिटी के मैनुअल में ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हंड्रेड परसेंट लिखा होता है अगर नहीं लिखा तो कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में हजारों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजे हैं जो एम बी ए करवाते हैं सो so हर एक का अलग अलग है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट है तो मैं सबका तो अभी करके नहीं दे सकता डैट्स योर जॉब तो वो आपको करना है ठीक है मूविंग फॉरवर्ड पी जी डी बी एम पी जी पी एम पी जी डी बी एस यू आर एलिजिबल एक कंडीशन है दैट यू आर डिग्री मस्ट बी यू नो रिक्नाइज बाई यू जी सी ए आई सी टी ई और एनी गवर्नमेंट बॉडी और वैसे तो यू जी सी और ए आई सी टी सी से अगर आपका जो डिग्री और uh, जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव्ड uh, है देन यू आर एलिजिबल देर आर आ स्टूडेंट वर आस्किंग मी सर मेरे पास ये वन ईयर का कोर्स है वन ईयर का एम वाला प्रोग्राम मैंने करा हुआ है वेदर दैट एम or PGDBM is approved by UGC और पी जी डी बी एम इज अप्रूव्ड यू जी सी और ए आई सी टी आपने जो सर्टिफिकेट किया है एम बी ए का क्या यू जी सी उसे मानता है क्या ए आई सी टी उसे मानता है अगर आपका आंसर है येस आपके सिक्सटी परसेंट मार्क्स हैं आपका एम बी ए इन फाइनेंस है आपका एम बी ए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है तो आप एलिजिबल हो बट मेक श्योर कि आपका जो डिग्री है आपका जो पीजी uh, डिप्लोमा है दैट शुड बी यू नो रेकनाइज बाय AICTE और UGC. अगर आपका ये अप्रूव्ड नहीं है देन आप एलिजिबल नहीं हो. मेक श्योर इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि UGC AICTE से होना चाहिए सी ए सी एम ए सी एफ ए सी एफ ए जो है यहाँ पे वो यू एस वाली है इंडियन सी एफ ए किसी टाइम पे होती थी वो वैलिड नहीं है सी एम में आई सी डब्ल्यू ए इंस्टीट्यूट से करा हो आपने सी ए जो है आई सी ए आई जो इंस्टीट्यूट है इंडिया का वहाँ से करा हो मार्क्स का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके सिक्सटी परसेंट मार्क्स ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है वर्क एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट्स आके पूछ रहे हैं सर मेरा वर्क एक्सपीरियंस जीरो है वेदर आई एम एलिजिबल येस यूर एलिजिबल डिजायरेबल है जरूरी नहीं है अगर आपके पास एक दो साल के एक्सपीरियंस है आपको इंटरव्यू के टाइम पे कुछ मार्क्स मिलेंगे हो सकता है पांच से दस मार्क्स आपको मिल जाए लेकिन जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप एलिजिबल हो आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी सिलेक्ट होंगे दर विल बी अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग सेलेक्टेड even without any work experience because they are going to score really well at the time of the exam at the time of the interview पाँच सात मार्क का फर्क है तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है यू विल गेट एन एडवांटेज अदरवाइज इवन देन यू आर एलिजिबल नो इश्यूज़ ठीक है सो दीज आर द कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाउट्स बाकी एज रिलैक्सेशन आपने पढ़ लिया हुआ है ये मैं सुबह सारा बता चुका हूँ पूरा एग्जाम के बारे में सिलेबस मैंने पूरा बता दिया हुआ है ऑलरेडी इन द प्रीवियस सेशन सो प्लीज चेक पी एन बी क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का कोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं ये दिस इज़ आर व्हाट्सएप नंबर इफ देर इज़ एनी डाउट विच हैज़ नॉट बीन आंसर्ड जिसको मैंने अभी तक आंसर नहीं किया यू कैन वट्सएप ही आई एम गन टू आंसर यू ठीक है सो दैट सॉल्व फॉर युडे स्टूडेंट्स दिस इज अ लिस्ट ऑफ अर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द पास्ट हुर स्टडी मटीरियल एंड दैट सॉल्व फॉर युडे स्टूडेंट्स थैंक यू अन व वेरी नाइस डे सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो दट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी थैंक यू